हेलो स्टूडेंट्स, दिस द रिवीजन पार्ट ऑफ दैट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th मैथ्स। डिफरेंशिएशन, टेक द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट रूट ऑफ cot ऑफ root x, differentiate root of cot of root x. It means this is the y equal to root of cot of root x, differentiate with respect to x, dy by dx, this equal to d upon dx of cot root x power 1/2। इसमें ध्यान रखिए, दिस द पावर फंक्शन और इसमें आपकी चेन रूल अप्लाई होनी है। तो पहले पावर, यदि चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले इसमें पावर का यूज करेंगे। पावर फंक्शन में कौन सा यूज करते हैं हम? एक्स पावर एन का डेरिवेटिव यूज करते हैं। देन दैट इज 1/2 कॉट रूट एक्स पावर 1/2 -1 इनटू बाई चेन रूल derivative of cot root x, then that is 1/2 cot root x power -1/2 into cot का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इंटू बाई चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, देन दिस इक्वल टू 1/2 वन अपॉन रूट ऑफ cot root x इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, देन दिस इक्वल टू माइनस 1/4 रूट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉट रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equal to log of x plus root of x square plus a square, find dy by dx, find dy upon dx, or you can say or prove that dy by dx equal to 1 upon root of x square plus a square, 1/√x² + a² देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए इसका, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² + a² डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx वही सेम अप्लाई चेन रूल। पहले किसका करेंगे हम? log का करेंगे, बाय चेन रूल एक्स प्लस रूट ऑफ x² + a² का करेंगे। पहले हमें लॉग का किया, 1/√x² + a² इनटू बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ x² + a² अप्लाई चेन रूल, देन दैट इज 1/√x² + a² इंटू एक्स का 1 आ गया प्लस इसका क्या आएगा, ये पावर हो गया x² + a² की पावर 1/2, तो 1/2 x² + a² पावर -1/2 इंटू बाई चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ x² + a² x² 2x होता है, ए स्क्वेयर का 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप एलसीएम, इतनी अगला स्टेप देखिए सर, 1 मिनट पेज टर्न कर दो। नेक्स्ट, 1/x + √x² + a² 1 प्लस
एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन दिस इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए ये क्या है बेटा, दोनों लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल होगी तो आंसर आ गया वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन डीवाई बाई डी एक्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। याद रखिए यदि कहीं वेरिएबल पावर वेरिएबल आता है, कहीं भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आता है तो बगल लॉग के हम नहीं कर सकते, इसमें तो क्या करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, इट मीन लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स, इट मीन बट वी नो दैट लॉग एम पावर एन, एन लॉग एम होता है, इट मीन्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, या बिकॉज लॉग एम पावर एन एन इंटू लॉग एम, डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या हमारा एक्स पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इट मीन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। याद करिए यदि आपका क्वेश्चन इनवर्स का आता है तो उसमें पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में क्या करेंगे, इट मीन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस एक्स, एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर डिवाइड, इट मीन्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस एक्स, देन दिस इक्वल टू जब कॉस एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स बाई कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स आ गया अपॉन वन प्लस टेन एक्स, और ये फॉर्मूला है, इट मीन टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला है, इट मीन देन बट टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा होता है, इट मीन दैट इज पाई बाई फोर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर का जीरो हो गया माइनस एक्स का वन आ गया,
तो आंसर माइनस वन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यानी सिंपल, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो यहां पर चेन रूल, या तो क्वेश्चन रूल लगा रहे हम, या फिर इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन। तो अब इसमें क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू पहले पावर माइनस वन, वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन माइनस वन, एन टू बाई चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन का जीरो हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर का टू एक्स आ गया। तो आंसर आ गया माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर, वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर।